साहब का आज का आर्टिकल है कि उसमें के काश में इंडियन इस ये तो मैं भी कहती हूँ ये तो मैं भी कहती हूँ कि काश ऐसा होता उन्होंने कहा जी कि 70 परसेंट एप्लीकेशन जो इंडियन सिटीजनशिप की हैं वो पाकिस्तान से हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर एमएचए का डाटा और जिसमें आप ये समझ लें कि ये एक इम्पॉर्टेंट डेवेलप है डेढ़ सौ बिलियन डॉलर की पिछले साल हिंदुस्तान ने एक्सपोर्ट करी है, आई टी सऊदी अरब के, के, के एक्सपोर्ट से ज्यादा है के हम हर वक्त भीख मांगते रहते हैं हर वक्त कटोरा लेके घूमते ये इमरान खान साहब का ही दिया हुआ है कि इंडिया जाना लोकसभा में एक प्रश्न के जवाब में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय ने इस बात की पुष्टि की है कि भारतीय नागरिकता के लिए कुल दस आवेदन विभिन्न देशों से प्राप्त हुए हैं जिसमें से 7306 आवेदन पाकिस्तानी नागरिकों द्वारा प्राप्त हुए हैं जो भारत में रहना चाहते हैं आखिर पाकिस्तानी क्यों भारत में आना चाहते हैं इसी प्रश्न का उत्तर तलाश करती आज की पर चर्चा आइए आगे सुनते हैं पाकिस्तानी मीडिया से उन्होंने शुरू किया था नेहरू की मिसाल थी कि नेहरू नेहरू साहब जब प्राइम मिनिस्टर बने तो सबसे पहले वो गांधी साहब के पास गए तो उन्होंने कहा बापू ये बताएं कि आप इंडिया को कैसे चलाना है उन्होंने कहना है, उन्होंने कहा था अगर आप प्राइम मिनिस्टर पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हो तो तीन चीजों पर ध्यान रखना कभी इंडिया में भारत में महंगी ना हो वो तीन चीजें क्या थी उन्होंने कहा आटा साइकिल और मूवी का टिकट ये तीन चीजें महंगी करोगे तो पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर नहीं रहोगे

ये मैं जरूर कहूंगी पहले नहीं था कि हम हर वक्त भीख मांगते रहते हैं हर वक्त कटोरा लेके घूमते हैं ये इंप्रेशन इमरान खान साहब का ही दिया हुआ है लेकिन दिस दिस फॉर मी वाज वाज वेरी वेरी न्यूज ट्रिकी टू अंडरस्टैंड कि क्या हुआ लेकिन एट द द एंड ऑफ डे अगर इफ समवन इज लिविंग पाकिस्तान बिकॉज ही इज फीलिंग इनसिक्योर दैट इज रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ये गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटी दैट दे शुड मेक इट शो द पीपल डू नॉट लीव दिस कंट्री बिकॉज दे फील थ्रेटेंड लोग थ्रेटन फील करें कि हमें इंडिया जाना है या हमें बांग्लादेश जाना है कि भाई पाकिस्तान जो है वो दैट इज नॉटर जैसे वो मियाँ मिट्टू का करेक्टर है, में, uh, जो बड़े है uh, और uh, इसी तरह हम देखते हैं कि सिंध के अंदर बहुत सारे लोगों को कन्वर्ट uh, किया गया है अः uh, जिस तरह कभी मंदिर जला देने की बात हुई या गुरुद्वारा जला देने की बात हुई या इस तरह ये जो एपिसोड्स डिफरेंट जगहों पे हुई हैं जिसकी वजह से ऑब्वियसली फिर एक ग्रुप के अंदर uh, जो है वो एक रिजेंटमेंट आती है वो फीलिंग आती है कि यार ये हमें वी आर नॉट गेटिंग अ फेयर डील ठीक है तो देन दो ग्रुप्स लीव जो है वो लोगों को जुमा अपनी नमाज जरूर पढ़नी चाहिए लेकिन ये ना हो कि बाकी दुनिया या आपकी वो चीजें डिस्टर्ब हो रही हो सो हों इस तरह के जब इश्यूज रहते हैं तो मैं आई पर्सनली थॉट शायद कोई जो है वो इज लॉट ऑफ अदर थिंग्स दैट बाकी लोग भी इंडिया जाना चाह रहे हैं लेकिन जो वहां का एक कल्चर है जिस तरह लोग वहां से वापस आए तो डेढ़ सौ बिलियन डॉलर की पिछले साल हिंदुस्तान ने एक्सपोर्ट करी आई जो कि सऊदी अरब के तेल की एक्सपोर्ट से ज्यादा है बाइंग एजेंसीज के दफ्तर पाकिस्तान में नहीं होता अब जो सियालकोट का वाक़ हुआ उसके बाद मुझे बताइए कि आप कौन फॉरेनर पाकिस्तान आके रहेगा जब आपने पूरी दुनिया के अंदर इस अकेले इस किस्म की हरकतें करनी है कि 18 साल का बच्चा आप डिसाइड करेगा कि कौन जिंदा रहे कौन ना रहे हम उस सिम में नहीं जा रहे जिस सिम्प में तरक्की होती है हम सच ये जो गौर भाई ने बात करी कि हम आपस में पॉलिटिक्स को कर दिया या इस्लाइए कि नेशनल सिक्योरिटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस अफगानिस्तान का जहाज यहाँ से करा है कश्मीर का जहाज हम कर रहे हैं और आपने बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बीच में बात की कि बीस साल तो हम यहाँ पे सिर्फ दहशत गर्दी से जंग करते रहे हैं। हर रोज एक बम पट रहा है कुछ कुछ हमला हो रहा है जाहिर है उसने ये, भी ये, के रख दिया सर बहुत उससे फर्क पड़ा है आपका मतलब आपका फॉरन बायर जब यहाँ पे नहीं आएगा तो उससे फर्क पड़ेगा आप देखें जब हम छोटे थे तो कराची में कौन सी फॉरन एयरलाइन नहीं थी वरना ठीक है लोन्स पहले भी लिए जाते थे मगर ये हाल नहीं था टर्की ने ड्रोन दिए हैं इंडिया को तो जाहिर है इंडिया पेमेंट कर रहा अगर वही

वो सऊदीया ने की थी इसमें कोई पाकिस्तान की आ, आ, डिप्लोमेसी नहीं है ये वही पाकिस्तान है जिसमें कश्मीर के लिए वाई को कहा था और उन्होंने शटअप काल दे दी थी आगे से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में दिए गए अपने एक बयान में इस बात का खुलासा किया है कि इस साल कुल दस आवेदन विभिन्न देशों के नागरिकों द्वारा प्राप्त हुए हैं जो भारत में नागरिकता के लिए इच्छुक है इन दस हज़ार छः सौ पैंतीस आवेदनों में से सत्तर परसेंट आवेदन तो केवल पाकिस्तानी नागरिकों द्वारा प्राप्त हुआ है जो भारत में रहने के लिए इच्छुक है इस प्रकार भारत में रहने के इच्छुक जो नागरिकता के लिए आवेदन प्राप्त हुआ है पाकिस्तानी नागरिकों की संख्या सात हज़ार तीन सौ है उसके बाद एक हज़ार एक सौ बावन नागरिक अफगानिस्तान से भारत में रहने के लिए आवेदन किए हैं दो सौ तेईस आवेदन श्रीलंका और अमेरिका के लोगों ने किया है एक नवासी आवेदन नेपाल के लोगों से आया है एक आवेदन बांग्लादेश से आया है और चार आवेदन विभिन्न बाकी जितने देश हैं दुनिया के वहाँ से आया है अब सवाल यह उठता है कि आखिर पाकिस्तान के लोग भारत में क्यों रहना चाहते हैं और इसके दो मुख्य कारण बताए जा रहे हैं पहला यह कारण है कि जो आवेदन 7306 इस साल प्राप्त हुए हैं पाकिस्तानी नागरिकों से इसमें हो सकता है कि बहुसंख्यक माइनॉरिटी समुदाय के लोग हों और आप लोगों को पता ही होगा कि माइनॉरिटी समुदाय का पाकिस्तान में रहना दिन पर दिन दोभर होते जा रहा है वे वहां पर सेकेंड क्लास के नागरिक माने जाते हैं उनके बच्चियों के साथ हमेशा छेड़छाड़ दूरा बुरा व्यवहार और जब वे शादी की उम्र के होती हैं तो उन्हें जबरन धर्म परिवर्तन करा के और फिर जो वहाँ की मुस्लिम बहुल जनसंख्या है उसके लड़कों द्वारा शादी हो जाता है और इसके बाद नौकरी में उनके साथ भेदभाव होता है उनसे छोटा काम यानी गंदा साफ कराना नाली साफ़ कराना आदि जैसे काम कराए जाते हैं इस कारण वहाँ पर अब माइनॉरिटी समुदाय वहाँ से उब गया है और अभी हाल में जो सियालकोट की घटना हुई जो धर्म के नाम पर एक श्रीलंका नागरिक के साथ जो किया गया वह तो अब एक ऐसा जीता जागता प्रमाण है कि यह पाकिस्तान की ख्याति अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छा गई है क्योंकि भारत जब कहता था कि वहाँ पर माइनॉरिटी के साथ अन्याय हो रहा है तो पाकिस्तान कहता था कि यह दुश्मनी में भारत द्वारा केवल इल्ज़ाम लगाया जा रहा है लेकिन अब तो श्रीलंकन नागरिक के साथ जो हुआ कि धर्म के नाम पर वह तो अब जग जाहिर हुआ है तो धर्म के नाम पर वहाँ पर भेदभाव बहुत गहरे रूप से अब फैलते जा रहा है तो एक कारण तो यह हो सकता है कि माइनॉरिटी समुदाय के लोग भारत में आना चाहते हैं दूसरा कारण यह है कि भारत की आर्थिक संपन्नता और पाकिस्तान की आर्थिक बदहाली आप लोगों को समाचार माध्यमों से पता चलता ही रहा होगा कि पाकिस्तान कर्ज कर्ज के जाल में फंस गया है आर्थिक दिवालियापन के कगार पर है इस कारण वहाँ के बहुत सारे लोग यह सोचते होंगे कि क्यों नहीं हम भारत में आ जाएं क्योंकि बहुत लोगों के अभी रूट्स ये भारत से जुड़े हुए हैं उन्नीस के पहले तो हम लोग एक ही थे इसलिए बहुत सारे लोगों का जो जड़ है या वंशज हैं अभी भी भारत में हैं इसलिए अब वे चाहते हैं कि फिर उनसे मिल जाए और भारत में सम्पन्नता के साथ अपने आगे की जिंदगी की बात करें अब सवाल उठता है कि इस साल जो सिटीजनशिप उन लोगों को दिया गया है लोकसभा में इस बात की पुष्टि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने किया है उनका कहना यह है कि अब सिटीजनशिप देने में कोई देरी नहीं हो रही है पहले सिटीजनशिप देने में वर्षों का समय लगता था अब बहुत जल्दी साल के भीतर ही सिटीजनशिप दिया जा रहा है ताकि जो लोग आवेदन किए हैं उनको लटका के नहीं रखा जाए और इसके पीछे उन्होंने कहा है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सी ए जो बनाया गया उसके चलते यह काम अब त्वरित गति से जल्दी से हो रहा है लेकिन आप लोगों को पता ही होगा कि सी और एन के चलते हमारे देश में कितना बड़ा आंदोलन चल रहा है लेकिन किसी को बिना जाने कि इस एक्ट का कितना फायदा होने वाला है लोगों ने बेवजह धरना देना शुरू कर दिया था लेकिन यहाँ तो आदत है कि किसी दूसरे के बहकावे पर या विरोधी दल के बहकावे पर यहाँ के लोगों को आंदोलन करने की आदत है और उसमें बहुत सारे एन भी मिल जाते हैं जिनका काम ही है कि पैसा लेकर किसी न किसी बहाने सरकार के खिलाफ खड़ा हो जाना आप लोगों भारत सरकार जो कर रही है वो अच्छा कर रही है और हम हम लोगों का भी यह इच्छा है कि अगर कोई दूसरे देश के नागरिक भारत में आना चाहते हैं और उनके पास अगर जैनविन कारण है तो भारत सरकार उन्हें नागरिकता दिया जाना चाहिए और यह भारत सरकार ऐसा कर भी रही है आज के लिए बस इतना ही हिंद आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए धन्यवाद जय